और मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ कि चूंकि राजस्थान की जो महारानी है उनसे अशोक गहलोत का तादाद में अच्छा है, इसलिए उन्होंने नहीं चाहा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनकी अनिच्छा के कारण सरकार नहीं बना पाई। दूसरी बात है, सचिन पायलट के पास सचमुच उतनी संख्या में लोग थे नहीं, विधायक नहीं थे, वरना सच तो यह है वो अपनी चुनी हुई सरकार, अपनी पार्टी की सरकार को गिराने पर आमादा थे। उन्होंने पूरी कोशिश कर ली थी, एक डेढ़ महीने इतना गतिरोध रहा राजस्थान में सरकार के संचालन में, तो उसे भी कांग्रेस भूली नहीं होगी, आलाकमान भूला नहीं होगा। और आपने जिस तरह से शुरू में बताया कि ये सब लोग अपने अपने पिताओं की विरासत लेकर आए हैं, तो ये अनुकंपा नियुक्ति पाने के बाद, सरकारी नौकरी में होता है ना किसी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, तो इन्हें तो ऐसी अनुकंपा नियुक्ति मिली ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद ज्योतिरादित्य और सचिन पायलट, कि क्या सचमुच में इन्होंने वो संघर्ष किया था संगठन की, जैसे राजीव खन्ना जी बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने सचमुच ग्रास रूट लेवल से काम किया, संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम किया, प्रभारी संगठन महामंत्री के रूप में मध्य प्रदेश के महामंत्री थे। इस तरह से संगठन में जब काम करते करते आदमी आगे बढ़ता है तो अलग बात होती है, लेकिन कांग्रेस में तो ये परंपरा ही नहीं है, सीधे खैरात बांट दी जाती है। ये सारे नेता पुत्र पूरे 10 साल की यूपीए की सरकार में मंत्री रहे और सारे के सारे छोड़कर चले गए। आज भी सचिन पायलट अगर दावेदारी कर रहे हैं तो मैंने शुरू में कहा था उन्हें समय का इंतजार करना चाहिए, और अगर राष्ट्रीय नेतृत्व आशंकित है कि ये व्यक्ति अभी 1-1.5 साल पहले बगावत करके बीजेपी के साथ पीगियां बढ़ा रहा था, तो ये स्वाभाविक बात है। हम और आपके साथ भी अगर कोई एक बार विश्वासघात कर दे तो क्या हम आसानी से उस पर भरोसा करेंगे? इसलिए इस समय असली परीक्षा तो राष्ट्रीय नेतृत्व की है। कांग्रेस की जो प्रभारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी कोटरी के वे सारे नेता जो रणनीतियां बनाते हैं, आगे बड़े फैसले करते हैं, उनने देखना होगा कि इससे कैसे निपटते हैं। मैं डॉक्टर अनिल जी की इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस इस समस्या से भी पार पा लेगी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हो सकता है कोई चौंकाने वाला नाम निकल आए, जैसे कि अभी मैं देख रहा हूं काफी देर से, पिछले 1-1.5 घंटे में दिग्विजय सिंह का नाम तेजी से उभर आया है, मीरा कुमार का नाम हम 3-4 दिन पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो कांग्रेस को करना तो सचमुच यही चाहिए था कि एक राज्य जहां नवंबर में चुनाव वांछित है, अभी होने वाले हैं, ड्यू है, वहां के मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब न किया जाता, और ऐसे लोग जो दिग्विजय सिंह, मीरा कुमार, जिनके राज्यों में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है लेकिन कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसा व्यक्ति जो संगठन के लिए भी सक्रिय, निश्चित तौर पर अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर भी हैं, वे जादूगर थे शुरू में हम जानते हैं, लेकिन सचमुच में वे राजनीति के जादूगर हैं। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने अगर ये परिस्थितियां नहीं सोची, इनका आकलन नहीं किया, पूर्वानुमान नहीं किया, तो इसका असली दोषी, इसका असली जिम्मेदार कांग्रेस का नेतृत्व है। राहुल गांधी खुद जिम्मेदार है, सोनिया गांधी जिम्मेदार है, प्रियंका गांधी जिम्मेदार है, और जो राष्ट्रीय महासचिव है सब जिम्मेदार है। अजय माकन का जिक्र बार बार आता है, अगर वे कोई संदेश इस तरह का देना चाहते हैं, आज दिन भर से चल रहा है कि उन्होंने अशोक गहलोत को मिलने का समय नहीं दिया, तो इसे भी राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई संकेत मानना चाहिए। हो सकता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इन दोनों से सहमत ना होकर सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बना दे और अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष भी न बन पाए और मुख्यमंत्री भी न रह पाए। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई कड़क संगठन का नेतृत्व करता होता तो शायद ऐसी ही कोई कार्यवाही होती, लेकिन देखना होगा कांग्रेस इससे कैसे निपटती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।